हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गार्डनिंग सफर यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे एक खूबसूरत प्लांट के बारे में, पेटूनिया प्लांट के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बात कर लेते हैं पेटूनिया प्लांट की। तो यह एक सीजनल प्लांट है, सर्दियों में इसमें अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलती है। अब देखेंगे अप्रैल मंथ आ चुका है तो यह प्लांट थोड़ा डल होने लगेगा, सूखने लगेगा। तो आपको नेक्स्ट सीजन में इस प्लांट से कैसे आप नया प्लांट बना पाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा सीड्स बनते हैं, इसमें सीड्स को आपको कलेक्ट कर कर रख लेना है और जब नेक्स्ट सीजन आए तो नवंबर दिसंबर में इन सीड्स को हमें लगाना होगा, तो नेक्स्ट हम प्लांट बना पाएंगे। अब बात कर लेता हूँ कैसे आपको इसके जो सीड्स होते हैं वो कलेक्ट करने हैं। पेटूनिया के जो फ्लावर होते हैं उसके पीछे काफ़ी सीड्स बन जाते हैं, जब वो सीड्स बन जाते हैं उनके सूखने पर वो दिखने भी लगते हैं और उसमें बारीक बारीक हमें राई के दाने के जैसे उसके सीड दिखाई देते हैं। उनको हमें कलेक्ट करना है, किस प्रकार से करना है मैं आगे बताऊंगा। आप जो भी आपके ड्राई फ्लावर हो चुके हैं उनको हटाते रहें और आप देखेंगे, अगर गौर से आप जब ध्यान से देखेंगे तो उनके नीचे हमें काफ़ी कुछ इस प्रकार से कुछ सीड्स दिखाई देंगे, उनको हमें कलेक्ट करना है। जब ये थोड़े पीले पीले कलर के हो जाएं तो आप इनको तोड़ लें और किसी पॉलीथीन में रख लें या किसी छोटे डिब्बे में इनको कलेक्ट कर कर रख लेना है। इस प्रकार से आप छोटी जो पॉलीथीन होती है उसमें पैक कर दें तो इसमें हवा पास नहीं होगी और हमारे जो सीड्स हैं वो ऑक्सीजन के लिए बचे रहेंगे और हमें 100% रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से इसके जो सीड्स का साइज होता है। आप देख सकते हैं जो राई के दाने होते हैं उससे भी काफ़ी छोटे इसके सीड्स होते हैं। इन सीड्स को हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रकार से, जब ये काले सीड्स हो जाएं, पूरी तरीके से पक जाएं, तभी आपको ये कलेक्ट करने हैं और जब नेक्स्ट सीजन आए नवंबर दिसंबर जब आप इनको लगा सकते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमारे जो अन्य सर्दियों के प्लांट होते हैं उनके सीड्स को भी आप कलेक्ट कर कर रख सकते हैं, तो नेक्स्ट सीजन में आपके काफ़ी रुपए बचेंगे और आपको काफ़ी प्लांट देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी पेटूनिया प्लांट के सीडलिंग से संबंधित वीडियो, जो हमने बताया आपको कि आप कैसे इनके सीडलिंग को कलेक्ट कर कर रख सकते हैं और नेक्स्ट सीजन में इनको कैसे लगा सकते हैं और ढेरों प्लांट पा सकते हैं। तो आपको यह पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।